मतलब इस मंथ इतनी कमाल कमाल की मूवीज वेब सीरीज रिलीज हुई है और अगस्त के महीने में हमें बहुत कुछ देखने को मिला है। और आज तो 24 तारीख है और भाई अभी तो 4 से 5 दिन और रह गए इस मंथ को खत्म होने में और अभी भी मूवीज और सीरीज आना बाकी है। तो पर रुकिए, टेंशन मत लीजिए, आज मैं आपको इस वीडियो में टॉप 10 चीजें बताऊंगा जो कि हिंदी में रिलीज हुई है, जिसमें कि टॉप मूवीज भी हैं और हिंदी वेब सीरीज भी हैं जो कि देखने लायक है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले एक साइंस फिक्शन मूवी जो कि आप सबकी फेवरेट भी होगी, तो मैं बात कर रहा हूँ लाइट ईयर की। अब तक जितने हमने मूवीज देखी हैं जिसमें कि हमें थ्योरीज बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से समझाई जाती हैं और टाइम डायलेशन जो है कॉन्सेप्ट वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, मतलब सोच के पार, समझ रहे हो। मतलब तो लाइट ईयर मूवी जब देखोगे ना तो भाई टाइम डायलेशन इतना इजी तरीके से समझाया है कि ये मूवी आपकी फेवरेट बन जाएगी। और साथ ही साथ टॉय स्टोरी यूनिवर्स की ये मूवी है, तो देखोगे तो पुरानी यादें तो ताजा होने वाली है। चलो चलते हैं। हम क्रैश होने वाले हैं? नहीं, वैसे टेक्निकली हाँ। ये बहुत डरावना था, अगले मिशन में मुझे मत ले जाना प्लीज। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी के बारे में जो की है डार्लिंग। तो ये मूवी 5 अगस्त को रिलीज हुई है और इस मूवी ने भाई झंडे गाड़ दिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस मूवी में इतना दम होगा। ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और आलिया भट्ट ने क्या एक्टिंग करी है भाई, लिटरली मजा आ गया। मतलब ऐसे तो वो रोड साइड एक्टर है, उनकी इस एक्टिंग का राज भाई आप सबको बताइए, क्योंकि वो रोड साइड एक्टर है और उन्होंने काफी ज्यादा चौराहे पे रह रहे के एक्टिंग सीखी है, तो इसलिए उनकी इतनी इस पिक्चर में नेचुरल एक्टिंग है। पर लिटरली डार्लिंग देख के मजा आ गया, तो देखिएगा जरूर, ये मूवी बहुत ज्यादा कमाल की और देखने लायक है। प्लीज बाप रे बाप। रमन काका, हमजा नहीं आए? नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मूवी के बारे में जो की है प्रे। तो ये मूवी भाई हुलू स्ट्रीमिंग पे रिलीज हुई है 5 अगस्त को और ये मूवी अब तक की सबसे ऑल टाइम मूवी है और प्रेडेक्टर ने तो धमाके मचा दिया। और कह सकते हो कि हुलू वालों ने खुद ये चीज कहा है कि जब से ये मूवी रिलीज हुई है तो हमारे सब्सक्रिप्शन भी बढ़े हैं, तो समझ लो इतनी तारीफ हो रही तो ये मूवी तो देखने लायक है। बट ये मूवी इंग्लिश में है, हिंदी का कोई अपडेट आएगा तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं डीसी की तरफ से एक और बेहतरीन, और कह सकते हो कि नेटफ्लिक्स के मैंने काफी टाइम बाद इतने दोनों बाद मतलब कुछ देखा है, तो मैं बात कर रहा हूँ दी सैंडमैन के बारे में। भाई बहुत ही कमाल का, और 2 एपिसोड अभी हाल ही में रिलीज हुए इसके जो कि हम सबके लिए सरप्राइज थे, और इसका हर एक एपिसोड आपको इतने अच्छे कमाल की स्टोरी को दिखाएगा और आपने अगर एक बार एंटर कर लिया तो भाई आप इस वेब सीरीज को छोड़ नहीं पाओगे। तो नेटफ्लिक्स पे इसको जरूर देखेगा, हिंदी में है ये देखने लायक। आपका महल वैसे नहीं रहे जैसे आप छोड़ गए थे। मेरे यंत्रों के बिना मेरी दुनिया पुनर्विकसित नहीं हो पाएगी, और अगर सपने मिट गए तो मानव जाति भी मिट जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि हमने नेटफ्लिक्स पे काफी टाइम पहले देखी थी ऑल ऑफ अस, ये काफी कमाल की ज़ॉम्बी मूवी थी और उसके बाद हमें कुछ भी अभी तक देखने को नहीं मिला था। तो मैं बात कर रहा हूँ डे शिफ्ट के बारे में, जिसमें कि जिमी फॉक्स ने बहुत ही कमाल का काम करा है। ये मूवी वैम्पायर से भाई इतना अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन कराती है और इस टाइप के वैम्पायर आपने, कसम दे रहा हूँ भाई, मतलब नेटफ्लिक्स की कसम भाई कि मतलब आपने ऐसे वैम्पायर देखे नहीं होंगे। बहुत ही कमाल की स्टोरी, एक्शन भरपूर, बहुत ही जबरदस्त, देखिएगा जरूर, बहुत ही ज्यादा कमाल की है। वैम्पायर्स सब एक दूसरे को जानते हैं। चलिए बात करते हैं अगली सीरीज के बारे में जो कि पीसमेकर। भाई मैं तो कह रहा हूँ मार्वल वालों को सीख लो डीसी वालों से कैसे बनाई जाती है पीसमेकर। और जेम्स गन तो आप पे ऑलरेडी है भाई, यहाँ पे ये रखी हुई है, हम पढ़ते रहते हैं डेली, जेम्स गन आप पे ऑलरेडी है, उनसे थोड़ा उनको कह सकते हो उनको उनके दरवाजे खुलवाओ और मार्वल में कुछ आर रेटेड कंटेंट बनाओ। पीसमेकर देखो कितनी कमाल की बनाई है और अमेजोन प्राइम पे जब मैंने देखा लिटरली मजा आ गया बहुत ही ज्यादा, और मे बी आधे से ज्यादा लोगों को पसंद भी आई है। ठीक है, अगर इसको हिंदी में रिलीज कर दिया जाता तो और ज्यादा मजा आता, पर ये अमेजोन प्राइम पर है, जाके देखो। अब बात करते हैं हरी भरी हल के बारे में, यानी कि शी हल के बारे में। इसका एपिसोड 1 रिलीज हुआ जो कि बहुत ज्यादा पसंद आया लोगों को, और अभी आगे क्या कह नहीं सकते क्योंकि ओवरऑल पूरी एपिसोड आना बाकी जो कि अक्टूबर तक चलेगी, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। फिर भी अगर आप मार्वल और डीसी फैन हो तो भाई इसको एक बार जरूर देखिएगा, बहुत ही कमाल की सीरीज है। वो स्कूल का एक बच्चा याद है तुम्हें जो सबसे कूल था, सबसे स्मार्ट था और सबसे पॉपुलर हुआ करता था? हेलो, मुझे तुमसे जलन हो रही है, क्या दिन आ गए हैं यार। अब बात करते हैं नेक्स्ट
जो कि कह सकते हो मेरा समय बर्बाद हो गया, और इसको इंक्लूडिंग करना बहुत जरूरी था। मैंने इसकी मांगा बढ़ी, इसका एनिमे देखा, और मैंने सोचा इसका लाइव एक्शन वर्जन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैं बात कर रहा हूँ फुल मेटल एल्केमिस्ट के बारे में, मेरा बिल्कुल समय बर्बाद कर दिया। तो मेरा रिकमेंड है कि इसको मत देखिएगा, एकदम थर्ड क्लास बकवास मूवी। अगर यहाँ तक पहुंच चुके हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि भाई ने बहुत मेहनत करी है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 9 के बारे में, जो कि है लॉक एंड की सीजन 3। भाई इसका सीजन 1 देखा, सीजन 2 देखा, काफी कमाल करा, और जब सीजन 3 देखा तो जिसको कहते हैं ना एक परफेक्ट एंडिंग, क्योंकि इसके बाद कुछ आने वाला नहीं है लॉक एंड की सीजन का, तो भाई थर्ड सीजन ने मजे दे दिए और प्रॉपर एक एंडिंग दी है। और की के साथ क्या हुआ तो बहुत कमाल की स्टोरी है, और मैं तो कहूंगा कि अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो उसको जाके देखो, और सीजन 3 अगर आपने देख लिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अब बात करते हैं नंबर फाइनल 10 अपडेट के बारे में, जो कि है हाउस ऑफ द ड्रैगन। पहले मैं इसको देखने में थोड़ा शर्मा रहा था, बिकॉज क्यों, क्योंकि मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स बिल्कुल भी नहीं देखी थी। मैं सोचा था अगर इसको देखूंगा तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होगा कैरेक्टर को समझने में, बट इसकी स्टोरी 400 साल पहले की है तो ऐसा जरूरी नहीं है। डिज्नी प्लस पे ये सीरीज है, इंग्लिश में है, देखना जरूर, और स्टोरी बहुत सारा कमाल की है, अच्छा लगेगा आपको एपिसोड। तो ये थे टॉप 10 अपडेट, जिसमें की बेस्ट मूवीज और सीरीज थी हिंदी में अगस्त के महीने की। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और इसी के साथ अगर आपको और भी OTT अपडेट जानने हैं तो वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं वहां पे सारे अपडेट देता रहता हूँ। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।